खबर पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चक्रामपुर की है, जहां बीते 17 नवंबर की रात को चुनावी रंजिश को लेकर जाति विशेष के दर्जन भर से अधिक लोगों ने एकमात्र भदौरिया परिवार पर एक राय होकर हमला बोल दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग ग्वालियर अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, जिसे लेकर बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज पोहरी के ब्लॉक अध्यक्ष अनेक सिंह बघेल के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज ने राज्यपाल के नाम SDM शिवदयाल धाकड़ को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से क्षत्रिय समाज के लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि मृतकों को 50 लाख एवं घायलों को 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाए, परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए एवं शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाए, आजीविका हेतु प्रत्येक बालिग व्यक्ति को शासकीय सेवा में नियुक्त किया जाए, आजीविका एवं आवास हेतु पट्टा दिलाया जाए, परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज क्षत्रिय महासभा पोहरी ने ज्ञापन सौंपा SDM साहब को, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ ज्ञापन में मांगे हैं? नरवर के चक्रामपुर गांव में जो भदौरिया परिवार की नृशंस कई लोगों की हत्या की गई है और उनके साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है उसके पूरा समाज यहां घोर निंदा करता है और हम परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि परिवार को पूर्ण सुरक्षा दी जाए, उनके आवास है चूँकि वो जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गई है, तो अन्यत्र कहीं व्यवस्था नरवर आदि जगह में की जाए आवास हेतु, एवं परिवार के जो भी शेष बचे योग्य सदस्य हैं उनको शासकीय सेवा में नौकरी दी जाए और मुआवजे के रूप में जो हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी है उस हिसाब से उनको मृतक परिवार और घायलों को मुआवजे। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे और क्या कार्रवाई रही? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो राजपूत समाज भविष्य में आंदोलन करने का मजबूर है।